कुछ नहीं होगा, वाटर प्रूफ है। ये जो मार्केट है यहाँ पे सारे रेट सेम, सबके रेट सेम होते हैं या मतलब कंपेटिवली सारे प्राइस सब में लगभग सेम ही होंगे क्योंकि ये कंपटीशन की मार्केट है। अच्छा अच्छा, हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज मैं आया हूँ अपने फौजी दोस्त के साथ और फौजी एरिया में आया हूँ जहाँ पे फौजियों की ड्रेसेस मिलती हैं, गर्म जुराब मिलती है और मार्केट है बहुत बड़ा। और मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के सदर बाज़ार, जो कि दिल्ली कैंटोनमेंट वाला जो सदर बाज़ार है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम आए हैं ट्रैक सूट वगैरह के जो रेट है वो पता करने, और मिलिट्री की गर्म शराबें मिलती हैं तो मैं अपने फादर साहब के लिए लेने आया हूँ। और मेरे साथ जो आए हैं मैं उनसे ही आपको मिलाता हूँ। सो गाइस ये हैं हमारे दोस्त मैक्स। हेलो मैक्स, मैक्स हेलो, हेलो मैक्स। ये है मैक्स, आज ये फौजी बन के आया है फौजी एरिया में और ये भी मेरे साथ मार्केट करने आया है। तो आज हम दोनों ही यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं और एक दो ट्रैक सूट के रेट पूछने आया हूँ मैं। और ये देखो मार्केट जो है, ये मार्केट है सदर बाज़ार दिल्ली कैंटोनमेंट। सर यहाँ के एड्रेस के बारे में हम बात करें तो एड्रेस के लिए आपको नियरेस्ट पालम मेट्रो स्टेशन से नेक्स्ट स्टेशन दिल्ली कैंटोनमेंट, ये है पालम से नेक्स्ट स्टेशन सदर बाज़ार कैंटोनमेंट मेट्रो स्टेशन है। ये सदर बाज़ार कैंटोनमेंट मेट्रो स्टेशन है, ये पालम से नेक्स्ट स्टेशन पड़ता है। अगर हम एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो बस आप इस मेट्रो से जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो आपको यहाँ से सीधे चलना है और यहाँ से आपको बस लेफ़्ट हो जाना है और ये लेफ़्ट वाला जो रास्ता है सीधा जा रहा है तो आपको ये उसी मार्केट की तरफ लेके जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे मिलिट्री ड्रेसेस को लेके बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलिट्री की जो ड्रेसेस होती है वो नहीं मिलेगी। और अगर आपको यहाँ पे मिलिट्री की ड्रेस लेनी है तो उसके लिए आपके पास एक मिलिट्री का कार्ड होना चाहिए कि आप मिलिट्री में ज्वाइन हो, तो उसी पर्पस पे उसी को देखते हुए आप यहाँ से मिलिट्री की चीज़ें ले सकते हो या मिलिट्री के ड्रेसेस ले सकते हो। गाइस मैं अभी खड़ा हूँ अग्रवाल लस्सी वाला, तो यहाँ की लस्सी बहुत फेमस हो जाएगी अगर आप यहाँ पे आके लस्सी पियोगे। क्या हुआ मैक्स? तो फौजी मेरे साथ है तो फौजी को लेके मैं चलता हूँ। इसको एक्चुअली क्या यहाँ पे थोड़ा सा ना स्ट्रीट डॉग्स वगैरह बहुत है तो इसको मुझे थोड़ा सा गोदी में लेके चलना पड़ेगा। ये छोटा फौजी है, देखो लड़ने के लिए कैसे तैयार हो रहा है, जहाँ डॉग्स देखे वहीं अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। तो गाइस जो लोग व्लॉग पे न्यू हैं सो जल्दी से फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं डेली लाइफस्टाइल की वीडियोस बनाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं मार्केट में। जैसा ये गाइस आप देख रहे हो, मैंने अपने मिलिट्री बॉय को गोदी में लिया हुआ है और मैं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ। और ये देखो मेरे पीछे आपको, ये देखो ये यहाँ पे मार्केट वगैरह है और ये ट्रैक सूट्स वगैरह, ये देखो यहाँ पे ये ट्रैक सूट्स वगैरह मिलते हैं। ये देखो हर तरह के ट्रैक सूट्स हैं, आपको दिख रहे होंगे। मैं अभी मार्केट में एंटर नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी रोड पे हूँ। तो अभी हम एंटर करेंगे मार्केट में लेकिन थोड़ा सा मार्केट देख लेते हैं, आपको दिखाता हूँ फौजी वाली ड्रेसेस जहाँ फौजी वाले कपड़े मिलते हैं। सो गाइस ये देखिए यहाँ पे इस तरह के से फौजियों की ड्रेसेस मिलती है, पुलिस की ड्रेस मिल जाती है, फौजियों की ड्रेस मिल जाती है, ये बैग्स वगैरह मिल जाते हैं। तो ऐसी यहाँ पे और भी शॉप्स हैं। सो गाइस एक चीज़ तो आपको मैंने पहले ही बता दी है, आपको आर्मी की ड्रेसेस तभी मिलेगी जब आपके पास आर्मी का कार्ड होगा। तो वो ये देखिए ये ऐसे मिलिट्री के शूज़ जूते वगैरह देखो, तो भाई साहब जूते तो बहुत बढ़िया होते हैं मिलिट्री के। ये पुलिस की ड्रेसेस, ये देखो ये सारे ये मिलिट्री की ड्रेसेस है और यहाँ पे सिलाई भी होती है, अपनी फिटिंग से सिलवा भी सकते हो। ये देखो ये शूज़ वगैरह हैं भाई, शूज
गाइस ये है एडिडास का 450 रुपये का, और ये कितने बताया, ये भी 450 रुपये, ये भी एडिडास का है। ये पकड़ के दिखाओ एक बार, इसे छोटा चाहिए भी है, ये और अच्छा लगता है। ये गाइस 450 रुपये का है, कलर दिखाओ तो, ये कलर दे देंगे, साइज देखो भाई, ये 450 रुपये का है, ये देखो भाई क्या बता रहे थे, पानी वानी क्या, पानी इस पे अटके जाने, मतलब पानी गिरा के दिखा दोगे, नहीं नहीं कोई नहीं बता, वैसे बता दो, कुछ नहीं होगा इसमें, कुछ नहीं होगा, वाटर प्रूफ है ये तो भाई, कह रहे हैं सब पानी गिरा के देख लो, वाटर प्रूफ है, तो फुल वारंटी के साथ दे रहे हैं भाई। ये लेडीज़ भी हैं यहाँ पे, वो देखो तो भाई फुल्ली वाटर प्रूफ है, दिखा दिया भाई ने। गाइस ये शूज़ हैं, लेडीज़ शूज़ हैं, और ये देखो विंटर वाले शूज़ भी हैं और कैजुअल शूज़ भी हैं, और ये बच्चों वाले जो है ये मिक्की माउस जैसे शूज़। भाई कितने कितने के, कोई है यहाँ पे, कितने कितने के शूज़, कितने कितने के हैं, ये 250 के, वो 300 के हैं। भाई ये इधर वाले जो है ये 250 और 300 रुपए के, और ये 250 वाले कौन से हैं, ये वाले, ये 250 वाले हैं नॉर्मल वाले, और ये 300 रुपए हैं। ये यहाँ पे लेडीज़ जो ड्रेसेस हैं उसकी यहाँ पे सेल भी लगी हुई है, 200 रुपए। ये देखो भाई कितने कितने के, 200 रुपए सेल है, थोड़ा थोड़ा घुमा के तो हाथ से घुमा दो कैसे। ये देखो ये ड्रेसेस हैं वुमेंस की, 200 रुपए की सेल लगी है भाई, तो मार्केट अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट ठीक नहीं है, और क्योंकि यहाँ के ये मिलिट्री एरिया है और यहाँ पे ड्रेसेस अच्छी अच्छी मिल जाती है। देखो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे, रेडियाँ लगी हुई हैं जैसे कि आप देख रहे हो, तो देखो भाई चलो अब चलते हैं। ये देखो यहाँ पे साड़ीज़ वगैरह जो हैं यहाँ पे, ये देखो सूट्स वगैरह भाई, इसका नाम है वरुण साड़ी सेंटर। चलो अब आगे चलते हैं। जैकेट्स हैं, ये जैकेट्स कितने कितने की हैं, 600 रुपए की जैकेट है भाई, अलग अलग है। सो गाइस मैक्स को 2 हफ्ते हो गए थे घर में रहते रहते और बाहर जाने का मौका नहीं मिला उसको, तो आज इसको मैं बाहर लेके आया हूँ और इसको प्रॉपर मैं व्लॉग में ले रहा हूँ। आप जैसा कि देख रहे हो इसको मैं गोदी में ले घूम रहा हूँ फौजी को, और ये फौजी है, फौजी मार्केट में फौजी बन के आए। ये देखो मैक्स हेलो करो, हाय करो सबको, तो भाई इसकी तरफ से मैं सबको हाय बोल रहा हूँ, हाय। गाइज अब मैं आ गया हूँ मेन रोड पे, जैसे कि आप मेरे बैक साइड में देख रहे हो, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मार्केट है कितनी बड़ी, कितनी वाइडली मार्केट है। तो देखो मैं अभी जो मेरे पीछे देख रहे हो, मैं इस मार्केट में था, ठीक है, आप पीछे देख रहे हो, तो इसके अपोजिट में भी मार्केट है, वो देखो पीछे की तरफ टोटली मार्केट है, तो बहुत बड़ी मार्केट है। रोड के दोनों तरफ मार्केट है, इस तरफ भी मार्केट है और इस तरफ भी मार्केट है, और दोनों मार्केट सेम है। यहाँ पे मिलिट्री की ड्रेसेस मिलती हैं, सभी तरह के आउटफिट्स मिल जाते हैं, जो आपके इलाके में जो बाज़ार लगते हैं उस रेट पे भी यहाँ पे कपड़े मिल जाते हैं, ट्रैक सूट्स वगैरह मिल जाते हैं, और भाई मैं तो ये कहूँगा कि स्पोर्ट्स की ड्रेसेस यहाँ पे अच्छी अच्छी मिल जाती हैं, और यहाँ पे जो भी है कंबल वंबल जो हैं ये सब भी विंटर के बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिल जाते हैं यहाँ पे विंटर। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि अब आप लोगों को रोड के उस तरफ वाली मार्केट में दिखाता हूँ, तो यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, देख के क्रॉस करना होता है क्योंकि रोड एक है, गाड़ियाँ दोनों तरफ से आती हैं, मेरे पीछे से भी आ रही हैं आप देख रहे हो, तो रोड क्रॉस करते हैं और दिखाते हैं। अभी फेस्टिवल आ रहा है क्रिसमस, उसको लेके यहाँ पे शॉप देखो कैसे सजाया हुआ है, तो ये देखो ये भी क्रिसमस को लेके सजाया हुआ है पूरा। तो भाई ये देखो ये है मिलिट्री के कपड़े वगैरह, और पूरी मार्केट मैंने बताया था ऐसी ही है, और मैं दिखाता हूँ कंबल्स वगैरह भी यहाँ पे मिलते हैं, ये देखो कंबल वगैरह। भैया एक बार रेट बताओ कंबल्स के,
रेट बता दो, ये कितने कितने के हैं? हाँ जी, ये कितने कितने के हैं? डबल बेड है, 1900 के। आपके पास स्टार्टिंग कितने के मिल जाते हैं? स्टार्टिंग 800 रुपए। 800 रुपए से, 800 रुपए से स्टार्टिंग है। तो 800 वाला कौन सा आपके पास? तो गाइज ये देखो, ये जो है भैया की शॉप है कंबल की, तो इन्होंने बाहर लगाए हुए हैं डिस्प्ले में। ये 800 रुपए वाले हैं गाइस, ये देखो, ये है 800 रुपए के। और अंदर जाओगे तो 1600, 1800, 2000 तक के भी मिल जाएंगे। यहाँ मैं अंकल की शॉप पे आया हूँ, और ये मिलिट्री शॉप। और आंटी ये सॉक्स है ना, मिलिट्री वाली सॉक्स है ना, ये मोटी वाली सॉक्स है ना, ये हाँ। तो कितने कितने की आंटी है? 50 की। 50 की, ये 50 की है, ये 70 की, ये 100 की है, और ये वाली 40, 100, ये 100 की है। तो भाई ये वाली मोटी वाली सॉक्स है, विंटर वाली, सारी विंटर की है वैसे, तो ये बहुत ज़्यादा मोटी है। भाई ये देखो, और आंटी ये कितने का है? ये वाला स्कार्फ, ये 150 का है। स्कार्फ तो बड़ा प्यारा लग रहा है गाइस। अगर मैं यहाँ की मार्केट के बारे में बताऊँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको ना थोड़ा सा बार्किंग करनी पड़ेगी, रेट लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना ये एक्स्ट्रा रेट बोलते हैं, और आपको यहाँ पे रेट लगवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ का मार्केट ऐसा ही है कि रेट लगवाने पड़ते हैं। और यहाँ नहीं, हर कोई भी किसी भी मार्केट में जाते हो तो गाइस बार्किंग करनी पड़ेगी, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि रेट तोड़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो आंटी ने मुझे सॉक्स दिखाई थी, वो मैं 60 रुपीज़ की लेके गया था, और आंटी वही सॉक्स मुझे 100 रुपीज़ की दे रही हैं, तो मैंने यहाँ से सॉक्स नहीं ली। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, बर्तन वगैरह और ग्रॉसरीज़, और देखो नियर बाय ATM भी बहुत हैं, तो दिक्कत नहीं आने वाली। तो वो ये देखो, ये बर्तनों की शॉप्स है, एक नहीं कंटिन्यू आगे तक है। तो गाइस अब हम चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जो था फर्स्ट कि ट्रैक सूट्स वगैरह हैं उनके रेट पता करते हैं। और एक सॉक्स है जो मुझे अपने फादर साहब के लिए लेनी है, तो एक सॉक्स लेते हैं, और मैं देखता हूँ अगर मुझे कुछ लेना। गाइस ये देखो, यहाँ भी लगाए हुए हैं डिस्प्ले में ट्रैक सूट्स, ये अपर का और ये लोअर का। तो भाई ट्रैक सूट्स तो यहाँ पे बहुत बढ़िया मिल जाते हैं अलग अलग रेट के। देखो ये 200 रुपये रेट लगाया हुआ है, जो नीचे के हैं लोअर और अपर के 500 रुपये का रेट लगाया हुआ है। तो गाइस ऐसा नहीं है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये प्रोजेक्ट ट्रैक सूट्स हैं अलग अलग, और यहाँ पे 1400 रुपये लगाया हुआ है। मेरे ख्याल से 1400 रुपये ये सेट होगा पूरा। भैया कोई है दिखाने के लिए? शॉप है भैया की, तो यहाँ पे हर तरह के लगाए हुए हैं। ये लोअर्स देखो भैया, ये 1400 रुपये का लगाया हुआ है। कैसे लगाया हुआ है? ये सेट है पूरा 1400 का सेट है ना। और अगर सिंगल लेना हो तो कितने का पड़ेगा? खाली अपन अलग अलग रेंज है भैया, 700 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। 700 से 700, 850, 900, 1000। तो वही ये लगाए हुए हैं, आपने रेट भैया से सुन लिया होगा। तो आप आ सकते हो, भैया की शॉप है। भैया किस नाम है शॉप आपकी? ओके भैया, तो अगर कोई रेट वेट लगवाना हो तो हो जाएगा वो सारा? प्राइस भी हमारे फिक्स होगा। फिक्स प्राइस होता आपका? के अंदर लोअर है। अच्छा, ये मतलब ये वाटरप्रूफ टाइप का कुछ है मतलब? स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है ये। अच्छा, ये जिम वगैरह के लिए कंफर्टेबल है। ये जिम वगैरह के लिए है ये, वैसे वाटरप्रूफ नहीं है ये? वाटरप्रूफ नहीं। अच्छा, अगर हम वाटरप्रूफ टाइप लें तो वो कितने का पड़ जाएगा? वाटरप्रूफ। अच्छा, तो भैया ये जो मार्केट है यहाँ पे सारे रेट सेम, सबके रेट सेम होते हैं या मतलब? कंपेटिवली सारे प्राइस सब लगभग सेम ही होंगे, क्योंकि ये कंपटीशन की मार्केट है। अच्छा अच्छा, प्राइस लगभग। और ये थोड़ा सा आर्मी जो है, आर्मी एरिया पड़ता है, तो उसके हिसाब से आर्मी की ड्रेसेस ज़्यादा मिलती हैं यहाँ पे आर्मी की ड्रेस। ओके, आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम राहुल। तो भाई ये राहुल भाई हैं, तो अगर आपको यहाँ पे अच्छा लगा कुछ देख के तो आप राहुल भाई के पास आ सकते हो, और रेट के बारे में इन्होंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। तो कैसे दे रहे हो दोस्त? ओ भैया कैसे दे रहे हो? 600 सर, 600। और लोअर? लोअर 250। ये लोअर हैं,
ये 250 बता रहे हैं लोअर्स के। और जो जैकेट्स हैं, ये जैकेट्स देख लो, ये भी है और वहाँ भी है जैकेट्स। जैकेट्स दिखा दो उठा के एक बार, कोई भी। ये कितने की है वैसे दिखा दो, पकड़ के दिखा दो वैसे, कितने की है? भाई ये जैकेट है कितने की भैया? 600। और इस पर नाइकी का टैग लगा हुआ है। सो गाइस ये 600 रुपीज़ की जैकेट्स हैं और लोअर 250 रुपये। तो ये है यहाँ की मार्केट, और शाम के टाइम तो और ज़्यादा उभर सी गई है मार्केट। जब मैं आया था तो इतना कुछ रश नहीं था यहाँ पे, और अब रश देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ये भैया कितने कितने के हैं? 350। ये 350 रुपये के हैं। और ये जैकेट्स गाइज, मैं यहाँ पे आया था 5-5:30 करीब, और उस टाइम पे इतना रश बिल्कुल भी नहीं था, और अब आप देख रहे हो कितना रश बढ़ गया है। और ये सभी मार्केटों में होता है कि शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा सेल वगैरह स्टार्ट कर देते हैं और भीड़ जो है वो बढ़ जाती है। तो गाइज़ अब इंतज़ार हुआ ख़त्म। सो गाइज़ अब हम चलते हैं अपनी मिलिट्री शॉप पे और अपने लिए लेते हैं, अपने फादर साहब के लिए लेते हैं एक सॉक्स, और अपने लिए भी कुछ देखते हैं। तो चलो चलते हैं भैया। सॉक्स मिल जाएगी? सॉक्स कौन सी? मिलिट्री वाली जो होती है मोटी वाली। कलर कौन सी? ग्रीन कलर की जो होती है। सो गाइस यहाँ पे शूज़ वगैरह भी मिल जाएंगे, और देखो जैसे कि वर्दी वर्दी जो है सब चीज़ है। कितने की है? 60 रुपये की है। तो भैया ये मुझे कर दो भैया, एक मिनट, ये मेरे को दो जोड़ी कर दो आप, एक जोड़ी और दे। और ये भाई शॉप है भैया की, कैप्स वगैरह भी यहाँ पे है सब चीज़ें। भैया यहाँ पे अगर कोई मिलिट्री की ड्रेस लेने आता है तो उसके लिए आईडी वगैरह चाहिए होती है, ज्वाइन मतलब मिलिट्री में ज्वाइन होना चाहिए, उसी को आप देते हो ना? और बाकी जो सॉक्स वगैरह होती है या कोई सैंडो वगैरह होती है वो बंदा ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सॉक्स तो कोई भी ले सकता है। ड्रेसेस वगैरह होती है, यूनिफॉर्म वगैरह पे। ओके तो गाइज मैंने दो सॉक्स ले ली हैं। अब सॉक्स के बारे में बताता हूँ, वो आंटी थी मुझे 100 रुपीज़ की जो सॉक्स बता रही थी आंटी मुझे, जो मोटी वाली सॉक्स थी, वो सॉक्स मुझे यहाँ पे 50 रुपये की पड़ी है मात्र, एक सॉक्स 50 रुपये की। क्योंकि पहले भैया ने 60 रुपये बोले थे, लेकिन मैंने पेमेंट करते समय भैया को बोला भैया मैं दो सॉक्स ले रहा हूँ तो 100 रुपीज़ लगा लिए दो के, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं आप 100 रुपीज़ दे दीजिए। तो मतलब एक सॉक्स मुझे 50 रुपये की पड़ी और आंटी मुझे 100 रुपीज़ की दे रही थी, तो सीधे सीधे यार 100 रुपये जो थे वो हमारे बचा लिए हमने। तो वेरी गुड वेरी गुड। तो अब चलते हैं, अब दो चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको मार्केट बता दिया है, और आपको मैंने रेट बता दिया है ट्रैक सूट वगैरह के, मिलिट्री के कपड़े वगैरह के बारे में बता दिया, और यहाँ की लोकल जो स्ट्रीट्स हैं, जो स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं, इनकी जो मार्केट के बारे में आपको मैंने टोटली बता दिया। तो बस गाइस मैक्स देखो कितना इन्जॉय कर रहा है, देखो गोदी में तब से इतना इन्जॉय कर रहा है। इसको मैं नीचे इसलिए नहीं उतार रहा हूँ क्योंकि ये क्या करता है भाई कि ना जो भी स्ट्रीट डॉग्स होता है ना ये डरता नहीं है, कोई भी कितना भी बड़ा डॉग हो अटैक करने जरूर जाएगा, जब पिट के आ जाए लेकिन अटैक करके आएगा, तो इसलिए इसको मैंने गोदी में लिया हुआ है। तो गाइज ये देखो जहाँ मैंने अपनी स्कूटी खड़ी करी थी हम उसी जगह घूम फिर के आ गए हैं, और यहाँ हमारी स्कूटी खड़ी हुई है, दिख रही होगी आपको मेरी। और अब हम निकलते हैं घर के लिए, और आज का व्लॉग गाइज हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो ये व्लॉग कैसा लगा और आपको जो मैंने जानकारी दी वो कैसी लगी, और कौन कौन इस मार्केट में आया मुझे ज़रूर बताना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये व्लॉग सबको अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो फटाफट से अब लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।